हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, कुछ मूवीज ना मुझे ऐसा लगता है काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग होती हैं। उसके अंदर अंडरलाइंग बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। जब आप उसको दूसरी बार देखते हो तो आपको समझ में आता है, यार इसका मतलब ये था और कहीं ना कहीं इसका साइंटिफिक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो घोस्ट लैब दोस्तों अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है। कुल 1.5 घंटे की ये थाई मूवी है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी ये मूवी। और मैं आपको बताता हूँ मुझे क्यों अच्छी लगी। पहले हल्का सा मैं आपको प्रिमाइस बता देता हूँ। बेसिकली ब्रॉड प्रिमाइस ये है कि एक दो डॉक्टर हैं, दोस्त हैं, और वो कुछ एक सुपरनैचुरल होता हुआ देख लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर। और उनको ऐसा लगता है कि ये जो काम है किसी घोस्ट या स्पिरिट का है, और वो कैमरा में कहीं छोटा मोटा सिल्वेट टाइप सा ना कैप्चर हो जाता है। उसके बाद वो बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि अब हमें स्पिरिट का जो साइंटिफिक प्रूफ है वो ढूंढना है। अब वो किस हद तक जाते हैं ये प्रूफ करने के लिए दोस्तों, उसके लिए तो देखो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपका मजा किरकिरा नहीं करूंगा, पर जो मैं आपको बात बता सकता हूँ वो ये कि इट्स अ क्वाइट अ थ्रिलर, और कहीं ना कहीं सुपरनैचुरल और घोस्टी चीजें आपको दिखेंगी। जो चीज आपको अच्छी लगेगी कि थोड़ा बैलेंस बना के रखा है। ऐसा नहीं है कि सारे घोस्ट ही बुरे हैं या सारे घोस्ट ही अच्छे हैं। तो जो इंटरेक्शंस हैं जिस तरीके से दिखाई गई हैं उसमें आपको क्लियरली नजर आएगा वाइट और ब्लैक का जो फर्क है वो आपको क्लियरली नजर आएगा स्पिरिट्स के अंदर। जो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी या फिर इमेजिन होंगी या फिर अभी तक हम जो सुनते आए हैं वो चीज़ें थोड़ी सी रीइन्फोर्स करी होंगी कि जिस जब इंसान के अंदर से स्पिरिट निकलती है तो वो जो दर्द होता है, वो दर्द का जो डायमेंशन है वो सिर्फ फिजिकल दर्द नहीं है, बेसिकली वो जो दुनिया को छोड़ने का दर्द है, अपने लोगों को छोड़ के जाने का जो दर्द है, वो दर्द के उनका पीछे से क्या होगा, वो सब जो है दोस्तों इस तरीके से मूवी को प्रेजेंट किया गया है कि आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बातों से भी इसको आप रिलेट करोगे। तो वो चीजें मुझे इसके अंदर काफी अच्छी लगी। एक्टिंग काफी अच्छी है, थोड़ी रॉ है, और थोड़ा इस तरीके के जो एक्टर्स हैं मुझे इनका नाम नहीं पता, मैं शायद प्रनाउंस भी ढंग से कर नहीं पाऊंगा ये थाई नेम्स, बट जिस तरीके की इन्होंने एक्टिंग करी है वो थोड़ी रॉ तरीके की चाहिए थी। इसके अंदर एक्टर टाइप एक्टिंग नहीं चाहिए थी, तो मुझे लगा इन्होंने काफी ज्यादा इंप्रेसिव काम किया है। जो चीज शायद आपको अच्छी ना लगे वो ये है, वो आपको मैं जो एलिमेंट बता रहा हूँ वो डायरेक्शन का है। कभी इसकी पेस बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और कभी काफी ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है स्क्रीन प्ले के अंदर। तो आपको ऐसा लगता है कि यार इंगेज करके तो मुझे रखा हुआ है और ये स्पिरिट्स भी आ रही हैं और ये जो इनका क्रुकेडनेस है लोगों का वो भी दिख रहा है और मुझे इनकी स्कीम्स भी दिख रही हैं कि ये कैसे और क्या चीजें करते जा रहे हैं। काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते जा रहे हैं, बट मुझे जो चीज नहीं समझ में आ पा रही है वो ये आ रही है कि अचानक से पेस बहुत ज्यादा हो रही है, फिर अचानक से पेस बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो रही है। तो ऐसा लगता है आप दो डिफरेंट मूवीज एक टाइम पे देख रहे हो, तो वो जो चीज है वो आपको शायद थोड़ी इतनी ज्यादा समझ में ना आए। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसका काफी ज्यादा इंपैक्टफुल है, क्योंकि जब हॉरर सीन्स आते हैं या जब स्पिरिट के साथ इंटरेक्शन आता है वो उसको और इंसैचुएट कर देता है म्यूजिक, तो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। तो ओवरऑल बेसिस पे मैं बोलूंगा कि जो लोग कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज्ञान और ऐसा साइंटिफिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पिरिट्स होती हैं कि नहीं होती हैं, उनके अंदर काफी ज्यादा इंट्रीगिंगनेस है, तो आप ये देखिए। अभी एक देखिए सीरीज भी आई थी द लास्ट आवर, उसके अंदर भी स्पिरिट्स वाला मुद्दा जो है वो आया गया था और कहीं ना कहीं वहां तो कंफर्म्ड ही था कि स्पिरिट्स होती हैं और उनको एक ब्रिज क्रॉस करना होता है आफ्टर लाइफ का। तो आप यहां पर भी देखोगे कि स्पिरिट्स का जो ट्रीटमेंट है लगभग लगभग उसी के जोन के अंदर है, लेकिन येट इट इज डिफरेंट। तो आप देखो, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। इसके अंदर इंसानी फितरत के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है और कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि वो बाइबल की जो कहानी थी ना कि जब आदमी जो एप्पल की तरफ दौड़ता है और उसके बाद ज्यादा नॉलेजेबल हो जाता है और उसके बाद दुनिया एक इनोसेंट दुनिया से एक चालाक और दुनिया बन जाती है, ऐसी जो आदमी की जो नॉलेज की जो इच्छा है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर वो कुछ भी कर गुजरता है, चाहे उसकी इंटेंशन कुछ भी हो, हीरो से विलन बन जाता है। उस तरीके के जोन के अंदर मूवी है, तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। मैं इसको स्कोर दूंगा दोस्तों मूवी शूवी स्कोर ए। इट्स अ गुड वॉच, इट्स एन इंटेलिजेंट वॉच, एंड इट इज वेल मेड, एंड द रेफरेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं अंडरलाइन डायलॉग्स में होता है। आप इसको एक दो बारी देखोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे, तो आप देखिए आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। विजुअली ये डॉल्बी विजन के अंदर बनी है, तो विजुअली आपको काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगेगी। कोशिश करना मोबाइल पे ना देखो, एटलीस्ट टेलीविजन पे देखो। तो इट्स अ गुड वॉच। सो सी यू अगेन विद अनदर रिव्यू वेरी वेरी सून। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू वेरी 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 सून।